मनाई जाएगी चैत्र पूर्णिमा, जाने शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में आज मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूँ सिमरन और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हिंदू नववर्ष की पहली पूर्णिमा आती है। इसे ही चैत्र पूर्णिमा या चैती पूनम के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन चंद्रदेव की चमक पूर्ण पर होती है। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना होती है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि इस व्रत को करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में अगर आप भी चैत्र पूर्णिमा का इंतजार कर रहे हैं तो जानिए मेरे साथ कि पूर्णिमा की तिथि कब है, इसका शुभ मुहूर्त और पूजा की विधि भी क्या है। देखिए, इस महीने शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा 23 अप्रैल को है। इस दिन सुबह 3:25 से शुभ मुहूर्त की शुरुआत होगी, जो अगले दिन 24 अप्रैल को सुबह 5:18 पर समाप्त होगी। इसलिए चैत्र पूर्णिमा 23 अप्रैल को ही होगी। अगर आप भी चैत्र पूर्णिमा के दिन व्रत पूजा पाठ करते हैं तो बता दें कि 23 अप्रैल को सुबह 4:20 से स्नान मुहूर्त की शुरुआत हो जाएगी, जो 5:04 तक रहेगी। इस दौरान स्नान आदि करना शुभ माना जाता है। बात करते हैं पूजा विधि की। चैत्र पूर्णिमा के दिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी काम करके शुभ मुहूर्त में स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। इसके बाद दीपक जलाकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना करें। अब कनक धारा स्रोत और मंत्रों का जाप भी करें। इसके बाद आरती करके फल खीर मिठाई का भोग भगवान को लगाएं। इसके बाद प्रसाद का वितरण सभी में करें। अंत में ब्राह्मण या गरीबों को श्रद्धा के अनुसार दान करें। वहीं आप भगवान विष्णु के कुछ मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं, जैसे कि ओम नमो नारायणा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, शांताकारम भुजंग शयनम पद्मनाभ सुरेश्वरम। इन मंत्रों का जाप करके आप अपनी पूजा को समाप्त कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही और जानकारियों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। धन्यवाद।